दोस्तों बाबर आजम के कप्तान बनते ही धोनी ने दे डाली ये बड़ी सलाह। शाहिन अफरीदी से छीनी कप्तानी, बाबर आजम बने पाकिस्तान 2020 वनडे टीम के नए कप्तान। दोस्तों पीसीबी ने खेली ये नई चाल, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी बाबर आजम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर पाकिस्तान 2020 और वनडे टीम का कमान बाबर आजम का नियुक्त कर लिया है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने टीम मीटिंग कर ये बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान टीम को इस महीने पहले न्यूजीलैंड टीम के साथ 5 ट्वेंटी ट्वेंटी और बाद में वनडे सीरीज खेलनी है। वहीं इसके बाद पाकिस्तान टीम को जून महीने में 2020 वर्ल्ड कप के लिए यूएई और अमेरिका पहुंचेगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने अभी से अपनी तैयारियों पुख्ता करने का इंतजाम कर लिए हैं। दोस्तों टीम के तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन साधारण रहा था। साथ ही पीएसएल के इस सीजन में भी शाहिन की टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई थी। ऐसे में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक बार फिर पाकिस्तान 2020 और वनडे टीम का कप्तान बाबर आजम को बनाकर एक नया दाव खेला है। दोस्तों वहीं बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनते ही भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने बाबर आजम को बड़ी सलाह दे डाली है। दोस्तों धोनी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का बागडोर इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन इंसान के हाथ में है, जो पाकिस्तान टीम को इस बार 2020 का चैंपियन बना सकती है। साथ ही बाबर आजम को अपने आलोचकों को जवाब देने का यह सुनहरा अवसर होगा।